चेहरा छुपा कहीं अपना कर लेते हैं यार। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड मेरा नाम रोहित कुमार है। स्वागत है मैं नए ब्लॉग के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हो चुके हैं 11:08। अंधेरा क्यों हो रहा है घर में? अंधेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि बारिश आ रही है। बारिश की वजह से हमने जाल ढक दिया हुआ है और लाइट भी चली गई हुई है। तो बारिश की वजह से लाइट कट जाती है, तो इस वजह से नहीं आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही गई थी, 5-10 मिनट पहले ही गई थी लाइट, तो इस वजह से अंधेरा हो रहा है गाइस। तो और मैं फ्लैश लाइट लगा के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और आँखों में थोड़ी सी ना रोशनी सी आ रही होगी, कुछ अजीब सी लग रही होंगी आँख। जो फ्लैश लाइट है आँखों में पड़ती है, फिर आँख ना कुछ अजीब सी हो जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी। थोड़ी देर बाद फ्लैश लाइट बंद कर दूंगा ना, उसके बाद ठीक हो जाएगा सब कुछ। सो अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि खाना वाना तो मैं दे आया था। खाना देने में आज ये प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि लंच बॉक्स को वो ले गए थे और लंच बॉक्स ढूंढते 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 मैं लेट हो गया उनके लिए खाना देने के लिए। दूसरे टिफिन में लेके जाना पड़ा लेकिन लेट हो गया मैं उसको ढूंढते, और स्कूल में जाके पता चला कि वो वहीं रह गया उनसे। मतलब रोज़ाना का सा छोड़ रहे हैं उसको, वो 2-3 दिन ये हो चुका है उनसे। तो गाइस देखो मैं आपको बारिश दिखाता हूँ, हो रही है ना, है ना। अभी तो बहुत तेज़ हो रही थी लेकिन अब थोड़ा धीमी पड़ गई है यार। देखो इतनी तो हो गई है कि नम हो जाएगा, शाम तक नम हो जाएगा पक्का। देखो सूरज का तो कोई नाम ही नहीं है भाई, सूरज तो आज निकला ही नहीं है, शायद निकलेगा भी नहीं अब क्योंकि बादल छा रहे हैं ना पूरे, बहुत ज़्यादा बादल छा रहे हैं गाइस। तो इस वजह अब देखो तेज़ हो गई बारिश, दिखाता हूँ आपको, है ना। तो थोड़ी थोड़ी ऐसी चल रही है, तेज़ धीमी, तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम तक मौसम बिल्कुल नम हो जाएगा गाइस, बिल्कुल मज़ेदार मौसम, मतलब राइड करने लायक हो जाएगा। और राइड करूँगा तो मोटर व्लॉग भी करूँगा उसके साथ। तो मैड राइडर 05 के नाम से भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटो ब्लॉग ला सकूँ उस पर अच्छे अच्छे। तो जल्दी से जल्दी जाकर उसको सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आप मेरे मोटो ब्लॉग्स भी देख पाओ। बहुत तेज़ हो रही है यार, अब तो पहले से भी तेज़ हो गई। वो है ना चेहरा छुपा के, बस चेहरा छुपा के ही अपना कर लेते हैं यार। पूरा बॉडी भीजती रहती है इनकी लेकिन चेहरा छुपा के ना ये संतुष्टि कर लेते हैं अपनी। इनको तो हम सुला लेते हैं यार, ये तो खैर ज़्यादातर यहीं सोते हैं। एक ये है, 2-3 कुत्ते और हैं वो यहीं सो जाते हैं, इनसे तो हम कुछ भी नहीं कहते। लेकिन भाई गाय वाय तो यहाँ पे नहीं आ सकती हैं, तो इस वजह से हम नहीं रख सकते इनको। और गाइज अगर ये प्रशांत के आने तक बारिश हुई तो वो ज़रूर आएगा और उसके साथ ब्लॉग भी करूँगा मैं, लेकिन शायद वो आएगा जब तक तो बंद हो जाएगी। तो डाइट लेके मैं कंप्लीट हो चुका हूँ और बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मैंने खाना नहीं खाया हुआ, बस डाइट ले ली है। तो मिलता हूँ आपसे खाना खाने के बाद और मैं नहा भी लेता हूँ गाइस। सो फाइनली गाइस आप देख पा रहे होंगे पीछे आ रहा है, तो थोड़ी थोड़ी सी आज भी बूंद आ रही है गाइस। और मैं छत पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि कोई आया हुआ है ना, तो इस वजह से मेरे को छत पर जाना पड़ रहा है उनको डिस्टर्ब ना हो। अरे कब आएगा वे, रुको जरा सब्र करो। अच्छा तो गाइस अब हम सिटी चलने वाले हैं, यही हमारा सब कुछ है, मतलब कि अच्छा। अरे मुझे क्यों मार रहा है, चल अंदर चले, अंदर चले यार, क्योंकि थोड़ी सी ना बूंद आ रही है, छोटी मोटी छम छम सी बूंद आ रही है। तो क्या है कि बारिश में अगर मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ना, एक बार की थी जो बारिश वाला फन ब्लॉग था वो किया था, उसमें स्पीकर ख़राब हो गए इसके, तो इस वजह से अब मैं करता नहीं हूँ बारिश में ब्लॉग क्योंकि स्पीकर ख़राब हो जाएंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी ना। मैं फ़ोन को खुलवाना चाहता नहीं हूँ किसी पर भी, तो मैं नहीं कर रहा हूँ आज बारिश में ब्लॉग। तो देखो क्या कर रहा है बंदा, बोल कुछ आवाज़, क्या क्या कर रहा। तो गाइस इसको पाइप को ले आया, कहाँ से लेके आया तू उसको, आड़ी वाड़ी में से, आड़ी वाड़ी में से लेके आया हूं। तो पता नहीं कहाँ से उखाड़ के ले गया यार इसको। और पता है मैं इसको लेने गया था स्कूल और मेरे साथ बैठ कर नहीं आया था, सिर्फ मोंटी मोंटी आया था। पहले तू ये बता बैठ के क्यों नहीं आया मेरे साथ। मैं नहीं आया, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अच्छा
ठीक है, कल से लाना तेरे को बंद मोटरसाइकिल। चप्पल देखो मनी, चप्पल। तो तेरे को कल से लाना बंद बाइक से। चप्पल कल से जरूर लाएगा, टाइम पे नहीं आएगा तो मैं नहीं जाएगा। अच्छा हाँ। टाइम पर नहीं आया था मैं। हाँ। टाइम पर ही आया था मैं। नहीं आया था। जब हम आधा रास्ता क्रॉस कर रहे तब तो आए थे, जब टाइम पे नहीं आए थे तो हम भी नहीं जाए थे। अच्छा, देख रहे हो गाइस कैसे बोल रहा है, ये करा था टाइम पर नहीं पहुंचा तो थोड़ा सा ही तो लेट हो गया, कोई दिक्कत। थोड़ा सा लेट हो गए तो क्या हुआ, थोड़े से लेट में बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा, स्कूल में भी ऐसे ही बोला था क्या आज? नो। तो स्कूल में ऐसे है बोलेंगे तो सर जी को समझ कैसे आएगा, अगर सर जी को नहीं आएगा तो टंगा पड़ेगा ना मेरी जान। पता नहीं क्या है यार, कैसे नशा चढ़ गया तेरे को इस भाषा का, कैसे नशा से चढ़ गया इस भाषा? पता नहीं कैसा चल गया, अगर पता नहीं कैसे क्या क्या थे, क्या क्यों थे, क्यों क्या थे, क्या ए तू चुप पर है। अरे क्या चुप पर है, देखो आज भी ना कल की तरह थोड़ी थोड़ी सी, बहुत भारी बारिश पड़ी थी सुबह, आपको दिखाया था मैंने, और अब भी थोड़ी थोड़ी सी बूंद पड़ रही है, मतलब लगातार पड़ रही है। अच्छा, सो गाइस देखो बरसात जो है बरसा पड़ रही है, सो लगातार तीन दिनों से बरसा पड़ रही है, देखो लगातार बूंदे आ रही है, लगातार मेरी टांग में पड़ रही है, लगातार सब में पड़ रही है भाई, देखो देखो दिख भी नहीं रहा है मुझे सही से, देखो दिखा रहा हूँ मैं। तो गाइस देखो ये हमारी टंकी है, अब तुम टंकी कैसे बोलोगे, टंकी है भाई ये टंकी है, मुझे दिख नहीं रही है बरसात में, दिख नहीं रही है। और ये हमारी कुछ टावर है, देखो ये छोटे नन्हे मुन्ने से टावर रहते हैं, अगर टावर नहीं रहेगा तो फोन कैसे चलेगा, फोन नहीं चलेगा तो नेट कैसे रहेगा, नेट की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। कुछ इस तरीके से कुछ जिम करा करते थे पहले पुराने ज़माने में, पर अब पुराना ज़माना कहाँ आया मेरी जान, अब तो न्यू ज़माना आ चुका है, मतलब आफ्टर हो चुका है, और अब तो यहाँ बहुत तरीके थे, जिम बन चुके हैं, सब कुछ बन चुके हैं, और मतलब सब कुछ बन चुके हैं। जिम में पहले तो कुछ नहीं था, ऐसे ही बनाते थे, सीमेंट से बनाते थे, सीमेंट कटोरी में करके फिर बनाते थे सीमेंट को, और फिर इस तरीके से करते थे, और पहले ज़माने में क्या कहते हैं दम भी बहुत हुआ करता था, और ऐसे भी कहते हैं कि हम मतलब बहुत ज़्यादा वजन उठाया करते थे, और दूध भी बहुत ज़्यादा पीते थे, और दरिया भी खाते थे, केला भी खाते थे, रोटी भी खाते थे, सब कुछ खाते थे, पर इस टाइम पे अब कुछ नहीं रहा, अब तो भाई पिज़्ज़ा कॉफ़ी बर्गर जो भी है, बर्गर किंग KFC जो इन खाने लगे हैं इनसे, मतलब मुझे तो नहीं पता कि इनसे कुछ होता भी है नहीं होता, सिर्फ ये स्वाद होते हैं। अरे चुप रे भाई। तो गाइस मैंने इसको खुद ही भेजा था इसको कि ब्लॉगिंग करके, अब एडिटिंग करते टाइम पता चलेगा कि इसने क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं बोला। तो बहुत वैसे मैंने इस पर करवा रखे एक दो पहले भी, अच्छा बोलता है, और अभी आई होप कि अच्छा बोला होगा। अच्छा नहीं बोलेगा तो ब्लॉग कैसे बनेगा? तो गाइस पता नहीं आज किस भाषा का नशा चढ़ गया है इसको। तो आज के लिए इतना ही गाइस, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो जिससे कि हम कॉन्फिडेंटली ब्लॉग डाल सकें। कुछ दिनों से मेरे को कम रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा कम यार, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, जो भी गलती हो रही हो वो मेरे को कमेंट करके बता देना आप लोग। तो करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय गाइस, खाते पीते मस्त रहो, एंजॉय करते रहो अपनी लाइफ को।